दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्रीलंका की सैर करवाऊंगा और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करूंगा, जो कि आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफा करेंगी। वीडियो शुरू करने से कब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि तमाम मालूमती वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। श्रीलंका, जिसका मुकम्मल नाम जमहूरियो इश्तराकी जमहूरिया श्रीलंका है, 65,610 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। 9 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमल ये मुल्क 2,12,00,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। श्री जयवर्धने पुराकोटे श्रीलंका का मौजूदा दारुलहकूमत, जबकि कोलंबो श्रीलंका का साबका दारुलहकूमत होने के अलावा श्रीलंका का सबसे बड़ा और तजारती शहर माना जाता है। 1815 से काबज़ बरतानवी हुकूमत से श्रीलंका ने मुकम्मल आज़ादी 4 फरवरी 1948 में हासिल की। 2010 में लगाए जाने वाले एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका 98% लिटरेसी रेट के साथ जनूबी एशिया में तालीम के हवाले से पहले नंबर पर आता है। लेकिन हैरानकुन बात यह कि श्रीलंका में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटियां कायम हैं। चाइना, इंडिया और केनिया के बाद श्रीलंका दुनिया में चाय पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क है और अपनी चाय को दुनिया भर में फरोख्त करने वाला 3रा बड़ा मुल्क। क्रिकेट श्रीलंका में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली खेल है। लेकिन हैरानगी की बात यह कि क्रिकेट श्रीलंका की कौमी खेल नहीं, बल्कि श्रीलंका की कौमी खेल वॉलीबॉल है। शेर श्रीलंका का कौमी जानवर है और शेर ही आपको श्रीलंका के झंडे पर नजर आएगा। क्या आप जानते हैं कि लिप्टन चाय को 1890 में श्रीलंका में ही काश्त किया गया था? इस चाय का नाम लिप्टन क्यों है, आप लोग शायद ये बात ना जानते होंगे। 1890 में सर थॉमस लिप्टन ने 5,500 एकड़ रकबा खरीदकर वहां चाय के पौधे लगवाए, जो बाद में लिप्टन चाय के नाम से जानी जाने वाली सबसे बड़ी ब्रांड के मालिक बन गए। आदम पीक के नाम से वाकया श्रीलंका में एक पहाड़ी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है, जिसे हर साल हजारों मुसलमान देखने जाते हैं। इस पहाड़ी पर एक बड़े पांव का निशान मौजूद है, जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ पर उतारा गया था और ये पांव का निशान उन्हीं का है, जबकि बुद्धमत के पैरोकार इस पांव को बुद्धा के पांव से मंसूब करते हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू इसको शिवा का पांव तसव्वुर करते हैं। बुलंदोबाला आबशारों और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से इस मुल्क की ज्यादातर बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। पूरी दुनिया में 80% से ज़्यादा दार चीनी की ज़रूरत को श्रीलंका पूरी करता है। चाय की पैदावार से पहले श्रीलंका सबसे ज़्यादा दार चीनी एक्सपोर्ट करता था। श्रीलंका मुसलसल 25 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है। 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने इन बागियों का खात्मा करते हुए इस खाना जंगी से श्रीलंका को आज़ाद करवाया। 2004 में आने वाले एक सुनामी ने श्रीलंका में सबसे ज़्यादा तबाही बरपा की, जिसने 30,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और लाखों अफराद को बेघर कर दिया। श्रीलंका खूबसूरती में अपना एक अलग नाम रखता है। यहाँ पर 433 किस्म के परिंदे, 245 किस्म की तितलियाँ, 96 किस्म के सांप और 383 किस्म की मकड़ियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका की सरकारी जुबान सनहाला और तमिल है। तमिल वही जुबान जो इंडिया के सूबे तमिलनाडु में बोली जाती है। श्रीलंका को अगर हम नक्शे पर देखें तो तमिलनाडु के साथ श्रीलंका एक आंसू के कतरे की मानद नजर आता है। श्रीलंका को 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान अरब ताजरों ने आबाद किया, लेकिन श्रीलंका की तारीख इससे भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। मुसलमानों के बाद श्रीलंका में सबसे ज़्यादा हिंदू मज़हब के मानने वाले थे, लेकिन मौजूदा श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बुद्धमत के पैरोकार हैं। श्रीलंका पहला ऐसा मुल्क है जिसकी पहली वज़ीर आज़म एक औरत थी। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट काफ़ी गंदी और महंगी है।
श्रीलंका में रक्षे को टुक टुक कहा जाता है, जिन्हें इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। श्रीलंका की करेंसी को श्रीलंकन रुपीज कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपीज के बदले में श्रीलंकन 1.46 रुपीज आ जाएंगे। श्रीलंका में सिर्फ 3 बैनुल अकवामी हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 2 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां पर मुसाफिर तैयारों के साथ साथ श्रीलंकन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। श्रीलंका की औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये औरतें तब खाना खाती हैं जब इनके मर्द और इनके बच्चे खाना खा लेते हैं। श्रीलंका में आपको किसी शख्स से बात करनी है तो आपको इसके नंबर से पहले श्रीलंका का डायलिंग कोड +94 लगाना पड़ेगा। अगर वक़्त की बात की जाए तो श्रीलंका वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है। आज की ये वीडियो हमने अपने एक दोस्त के कहने पर तरतीब दी थी, जिनका कहना था कि मेरी बीवी श्रीलंका से है, लिहाजा मुझे श्रीलंका के बारे में मालूमात फराहम की जाएं ताकि मैं अपने ससुराल मुल्क के बारे में मजीद जान सकूं। जिन दोस्तों की ख्वाहिश पर अभी तक वीडियो तरतीब नहीं दी जा सकी, इनसे माजरत के साथ अर्ज़ करता हूं कि जल्द से जल्द आपको अपने पसंदीदा मुल्क की सैर करवाई जाएगी, क्योंकि एक दिन में हम एक से ज़्यादा वीडियो तरतीब नहीं दे सकते। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।